हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट एग्जाम के लेके प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये पार्ट वन है दोस्तों, जिसका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक जो है इसका सीरीज चलते रहेगी। और दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और दोस्तों, ये आपके मतलब प्रैक्टिस के लिए, ये टेस्ट के लिए अच्छा स्कोरिंग होगा, आप उसमें स्कोर भी कर सकते हैं। इसके लिए जो है मैं वहाँ पर समय दिया हूँ, आप उसमें जो है स्कोर कर सकते हैं, अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाएँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचेगी। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और दोस्तों, चार ऑप्शन दिया हुआ है आपको, मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित निकायों में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और चौथा ऑप्शन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आंसर दें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफिस, माफ कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विंस द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द 65th नेशनल फिल्म अवार्ड इन 2018। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है, 2018 में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार कौन जीता। तो दोस्तों, ऑप्शन है श्रीदेवी, अनीता दास, साशा त्रिपति, चौथा है दिव्या दत्ता। चलो दोस्तों, आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा श्रीदेवी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड इन। मतलब दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित कहाँ किया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन है पहला बॉम्बे, दूसरा है लाहौर, तीसरा है कलकत्ता, चौथा है न्यू दिल्ली। चलिए आंसर दीजिए, देखते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। मतलब दोस्तों, इंसुलिन का स्त्राव के लिए कौन सा ग्लैंड जिम्मेवार है। तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, पैनक्रियाज, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। तो दोस्तों, आपके पास समय है, जवाब दें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पैनक्रियाज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। भारत का सिलिकॉन घाटी कौन सा शहर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। चलिए दोस्तों, 5 सेकंड है, जवाब देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन इंडिया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का नेपोलियन कौन है, भारत का नेपोलियन मतलब किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है कुमारगुप्त, चौथा है हर्षवर्धन। तो दोस्तों, 5 सेकंड है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। मतलब दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गोदावरी बेसिन, तीसरा है नर्मदा बेसिन, तीसरा है गंगा बेसिन, चौथा है यमुना बेसिन। चलिए दोस्तों, 5 सेकंड है, कोशिश करें जवाब देने का। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गंगा बेसिन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? दोस्तों क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, क्वेश्चन पूछ रहा है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों 5 सेकंड का वक्त है, जवाब देने की कोशिश करें, इसमें आपका जो है टेस्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के जो है वो पीएम ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दोस्तों एस के भूषण, सुधीर मित्तल, अशोक कुमार गुप्ता और दिनेश पचौरी। दोस्तों 5 सेकंड का वक्त है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जवाब देने की कोशिश करें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अशोक कुमार गुप्ता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है हु विंस द 2018 दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 किसने जीता है? दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर, कादर खान। चलिए दोस्तों 5 सेकंड का समय है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विनोद खन्ना। दोस्तों इसमें आप जो है अपना स्कोरिंग भी कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क आया है, माफ़ कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, और जो भी इस वीडियो में नए हैं, जो भी इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि जितने भी इस तरह के अपडेट रहेंगे वो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मैंने इसका PDF भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जय हिंद।